Hello students, today I am going to teach you English subject and chapter number है number 3 sports है, उसमें activity 6 पर हम जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है summary of the unit, यहाँ पर summary बताइए unit की। Here is a well known story है of महाभारत, about एकलव्य जो था उसकी story बताई, महाभारत ऑफ स्टोरी महाभारत की बताई है। उसमें है एकलव्य का जो किरदार है उसके अबाउट बताया गया है। एंड एपिटोम ऑफ अ लॉयल स्टूडेंट, जो क्या था, लॉयल स्टूडेंट था, वफादार था। एकलव्य वॉज द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर। He was brave and handsome, बहादुर और देखने में क्या है, हैंडसम था, खूबसूरत था, बट नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं रहता था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय द प्लीजर्स ऑफ हंटिंग एंड प्लेइंग लाइक अदर बॉयज, नेचुरली बिलोंगिंग टू हाई कास्ट। क्या है, वो उसके पास सब थे, उसका जो फादर थे वो ट्राइबल चीफ थे वो फॉरेस्ट के किंगडम जो थे हस्तिनापुर के, लेकिन वो खुश नहीं रहता था। क्या चाहता था, वो शिकार करना चाहता था। एंड प्लेइंग लाइक, जैसे दूसरे लड़के जो खेलते हैं, जो बॉयज है नेचुरली बिलोंगिंग टू हाई, जो हाई कास्ट के हैं, जो उनको सिखाई जाती है आर्चरी, उसमें उसको बहुत नॉलेज था, बहुत सीखने का बहुत शौक था। बट सिंस ही बिलोंग्ड टू द शूद्र, शूद्र जा से बिलोंग करता था कम्युनिटी, ही कुड नॉट ज्वाइन देम। उसमें क्या है, वो ब्राह्मण थे और ये शूद्र था, इसलिए वो ज्वाइन, उनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता था। वन डे द फादर, एक दिन क्या होता है, फादर क्या कहते हैं, एकलव्य ऑफर्ड हिज गुरु दक्षिणा। जो एकलव्य था वो बहुत उसको शौक था तीरंदाजी का, आचारी का। वो क्या है, उसके पास जाते हैं, उनके पास जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, गुरु के पास जाते हैं और गुरु दक्षिणा की डिमांड करते हैं। देखिए लेसन बताया है, एकलव्य ऑफर्ड हिज गुरु दक्षिणा एज ही हैड डिमांडेड, जो उन्होंने डिमांड की थी गुरु दक्षिणा लेने की। एंड वॉज हैप्पी टू डू दैट, इवन इफ ही न्यू दैट, वो जानता था कि ही वुड देन नेवर बी एबल टू परस्यू हिज पैशन ऑफ आर्चरी। गुरु द्रोणा ब्लेस्ड हिम टू बी अ ग्रेट आर्चर एंड ही लेफ्ट। उन्होंने क्या है, इसको अच्छे जो तीरंदाजी की, तीरंदाज बनने की दुआएं दी और चले गए वहां से जंगल में से। गुरु द्रोणा वॉज कंटेंट दैट ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू अर्जुन, बट डिस्पाइट हिज हैंडीकैप एकलव्य कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस आर्चरी विथ कंप्लीट डेडिकेशन। लागड़ी से वो अपना क्या है, कुछ तीरंदाजी सीखता रहा एंड बीकेम अ ग्रेट आर्चर। और क्या है, धीरे धीरे वो हैंडीकैप होकर भी क्या है, उसका जो अंगूठे का जो मांगते हैं गुरु द्रोणाचार्य उसको, तो वो उसकी क्या है, गुरु दक्षिणा देता है और उससे ही क्या है, वो क्या बन जाता है, अच्छा ग्रेट आर्चर बन जाता है, तो तीरंदाज बन जाता है। वैन द्रोणा कैम टू नो, जब द्रोणा आते हैं उसके पास जानने के लिए, दिस ही ब्लास्ट द बॉय, उसे अंदर से अंदर दुआएं देते हैं साइलेंटली एंड बैग्ड फॉर डिवाइन फॉरगिवनेस एंड ट्रू द्रोणास ब्लेसिंग। एकलव्य इज स्टिल प्रेस्ड एज द मोस्ट लॉयल एंड ब्रेव स्टूडेंट
इन द एपिक ऑफ द महाभारत। जो गुरु की जो ब्लेसिंग दुआओं से क्या है, एकलव्य बहुत अच्छा तीरंदाज बन जाता है और क्या है, मोस्ट वफादार रहता है और वफादार और एंड ब्रेव स्टूडेंट बन जाता है, बहादुर स्टूडेंट इन द एपिक ऑफ द महाभारत। आर्चरी इज अ स्पोर्ट, ये भी एक तरह का जो तीरंदाजी है वो भी एक तरह का क्या है, स्पोर्ट है, एक तरह का खेल है। हिस्ट्री ऑफ आर्चरी इन इंडिया डेट्स बैक टू द वैदिक एरा। यू आर फेमिलियर विथ द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एकलव्य, गिवन हियर इज द बिगनिंग ऑफ हिज स्टोरी, रीड इट, हम इसको पढ़ेंगे जो एकलव्य की स्टोरी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग गॉन एरा इन द कंट्री ऑफ इंडिया, नियरली लिव थाउजेंड ईयर्स बैक लिव्ड अ बॉय, उसका नेम था, जो क्या है स्टोरी है लॉन्ग गॉन एरा की, इन द कंट्री ऑफ इंडिया नियरली 5000 ईयर्स बैक पहले की स्टोरी है। लिव्ड अ बॉय, एक बॉय जो रहता था उसका नाम था एकलव्य, द सन ऑफ अ ट्रिबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर। एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय, ही वॉज लव्ड बाय ऑल, बहुत ही अच्छा बहादुर और खूबसूरत लड़का था, सब उसे चाहते थे, बट ही वॉज लव्ड बाय ऑल, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। His father saw that something troubled, उसके फादर देखते हैं, बोलते हैं कुछ न कुछ तकलीफ जरूर है एकलव्य को। His father saw that something troubled एकलव्य, more than once he found his son lost deep in thought, उन्होंने एक दिन देखा कि वो गहरे विचारों में खोया हुआ था। When other boys enjoyed the pleasures, जब दूसरे boys क्या है enjoy कर रहे थे खुशियों को, of hunting शिकार की, and playing खेल रहे थे, one day his father, लेकिन वो सब बच्चे जो खुशी खुशी खेल रहे थे, जो hunting शिकार का और playing कर रहे थे खेल रहे थे, लेकिन वो जो था एकलव्य बहुत ही deep उसमें ख्यालों में खोया हुआ था, उसके father ने ये देखा। One day The father asked एकलव्य, उसके दिन उसके फादर ने पूछा एकलव्य से, Why are you so sad, क्यों तुम बहुत दुखी हो, What a pinch is you, तुम्हें क्या तकलीफ है। एकलव्य said, Father, एकलव्य ने कहा, Father, I like the sport of hunting टू मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है शिकार करने का, मुझे बहुत शौक है, मुझे और अच्छा भी लगता है स्पोर्ट ये हंटिंग का। टू मच आई ब्रेव आई हैव माई बो एंड एरो, मेरे पास क्या है तीर और कमान दोनों है, बट दीज बॉयज डोंट अलाउ मी, लेकिन ये जो लड़के हैं मुझे अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते टू प्ले विथ देम, उनके साथ खेलने की वो परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो ब्राह्मीन थे और ये शूद्र जात का था। एंड आई डोंट एंजॉय प्लेइंग अलोन, मुझे अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता। फादर सेड, ओह इज इट सो, बस इतना ही है, आई कैन नॉट फोर्स देम, मैं उनको फोर्स तो नहीं कर सकता टू प्ले विथ यू, तो वो तुम्हारे साथ खेलें, बट आई माई सेल्फ विल प्ले विथ यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा, वो लोग नहीं खेलते तो क्या हुआ, बट लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। एकलव्य कहता है, फादर यू आर नॉट ऑफ माई एज, तुम मेरी उम्र के नहीं हो, I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ विथ
द बॉयज ऑफ माई एज, लेकिन मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, उन बॉयज के साथ, लड़कों के साथ जो मेरी उम्र के हैं। फादर यू आर नॉट ऑफ माई एज, आई वॉन्ट टू प्ले विथ द बॉयज ऑफ माई एज। फादर सेड वेल देन इग्नोर देम, अच्छा है, अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके अपने क्या करेंगे, उनको भूल जाओ, इग्नोर कर दो देम, एंड आई विल टेक यू टू गुरु द्रोणा, मैं तुमको कहाँ ले जाऊंगा, वहां मैं तुमको गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, जो सिखाते हैं आर्चरी, उनके पास में तुमको ले जाऊंगा, ही विल टीच यू, वो तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन आर्चरी, वो तुम्हें उसमें तीरंदाजी में क्या है एक्सपर्ट कर देंगे, मैं उनके पास लेकर आपको जाता हूँ, वहां पर आप वो उनको वो तुम्हें सिखाएंगे आर्चरी। एकलव्य इन दैट केस आई डोंट नीड एनी बडीज कंपनी, इसमें मैं किसी की कंपनी लेना नहीं चाहता, आई विल श्योरली लर्न एंड बिकम अ ग्रेट आर्चर, मैं खुद ही बन में क्या है, मुझे खातरी है कि मैं एक दिन क्या है तीरंदाजी सीख जाऊंगा और अच्छा तीरंदाज, ग्रेट तीरंदाज बनूंगा। एकलव्यस फादर टैक्स हिम टू गुरु द्रोणा वन डे, एकलव्य के जो फादर होते हैं उसे ले जाते हैं गुरु द्रोणा के पास, एक दिन क्या होता है, एकलव्य विथ फोल्डेड हैंड्स, एकलव्य बोलता है जो हाथ बांधकर बोलता है अदब से, प्राणी पतोस्मी गुरुजी, आई वांट टू लर्न आर्चरी फॉर फ्रॉम यू, क्या है विथ फोल्डेड हैंड्स, क्या बोलता है, प्राणी पतोस्मी गुरुजी, मैं आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ आर्चरी फ्रॉम यू, तुमसे मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। द्रोणा ने कहा वेल अच्छी बात है, आई विल श्योरली टीच यू, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, बट विल यू टेल मी, बस पहले ये मुझे बताओ विच कास्ट डू यू बिलोंग, तुम कौन सी जात से, कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, कौन सी जात के हो। एकलव्यस फादर बैग योर पार्डन, क्या है उसको, गुरुजी बैग योर पार्डन गुरुजी, ही इज माय सन, वो क्या है अदब से झुक के बता जवाब देते हैं और बोलते हैं ये मेरा लड़का है, एंड वी बिलोंग टू शूद्र कास्ट, हम क्या है भाई, हम शूद्र कास्ट कास्ट जो है उससे बिलोंग करते हैं। द्रोण ने कहा ओह देन आई एम सो सॉरी, ऐसा है तो मुझे मैं माफ करना, आई कैन नॉट टीच यू, तुम शूद्र हो, मैं खाली ब्राह्मण जो होते हैं उन्हीं को सिखाता हूँ, आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें आचरी नहीं सिखा सकता। बोथ एकलव्य एंड हिज फादर रिटर्न, एकलव्य और उसके फादर वहां से क्या है रुखसत होते हैं, घर जाते हैं डिसअपॉइंटेडली, एकलव्य इज टेरिबली अपसेट, वो सुनकर बहुत अपसेट रहता है, He is firm in his, लेकिन जो उसका डिसीजन है उसमें वो क्या है मक्काम रहता है, टू लर्न आर्चरी। बोथ एकलव्य एंड हिज फादर रिटर्न होम डिसअपॉइंटेडली, एकलव्य इज टेरिबली अपसेट, ही इज firm इन हिज डिसीजन टू लर्न आर्चरी एंड starts. वो उसके इरादे जो होते हैं डिसीजन में उसका मक्काम रहता है वो तीरंदाजी सीखने के लिए, और क्या है शुरू कर देता है स्टार्ट्स थिंकिंग, सोचना शुरू कर देता है कि हाउ टू अटेन हिज गोल, जो उसका मकसद है उसे कैसे वो पूरा करे। एकलव्य नेक्स्ट मॉर्निंग फादर, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोलता है एकलव्य, फादर आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं मेरी जात से ही तीन अंदाजी सीखूंगा। फादर कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी ऊपर वाला मदद करे मेरे बेटे, माई सन, फादर कहते हैं गॉड ब्लेस यू माई सन।
एकलव्य गोज टू फॉरेस्ट, एकलव्य जंगल में जाता है। मैक्स अ क्ले आइडल, एक मूर्ति जो होती है मिट्टी की आइडल बनाता है, मूर्ति बनाता है। और गुरु द्रोणा, जो गुरु द्रोणा होते हैं उनकी मूर्ति बनाता है। सेट्स इट अंडर अ ट्री, और उसे नीचे ट्री के नीचे रखता है। वर्शिप्स उनकी क्या करता है, वर्शिप करता है, पूजा करता है। द आइडल, जो आइडल होते हैं उसकी पूजा करता है। सिक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम इट एंड स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग, वो क्या है, जो द्रोणाचार्य भले उन्हें उसने नहीं सिखाया गुरु ने, लेकिन वो उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसके क्या है झाड़ के नीचे रखकर उसकी पूजा करते हुए वो क्या है उसको इंस्पायर होके फ्रॉम इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जो प्रैक्टिस करने लग जाता है एकलव्य आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद क्या होता है एकलव्य। फादर शो मी, एकलव्य क्या कहता है, फादर शो मी आया टारगेट, मुझे बताओ तुम्हारा टारगेट, एंड आई विल हिट इट, मुझे बताओ किस पे मुझे निशाना लगाना है, मैं बराबर उस पे लगाऊंगा। फादर शोज हिम डिफरेंट टारगेट्स एंड ही हिट्स, वो निशाना लगाता है। ऑल ऑफ देम सक्सेसफुली, वो क्या है सो सक्सेसफुली जो होता है उसको बराबर निशाने लगा के उसको हिट करता है। फादर ब्रेव माय सन यू हैव डन इट, मेरे प्यार मेरे लड़के क्या है मेरा जो आपने क्या है, ब्रेव माय सन यू हैव डन इट, तुमने ये अपना काम पूरा किया। वन डे गुरु द्रोणा हैपन्स टू पास थ्रू द फॉरेस्ट, एक दिन गुरु का वहां से गुजर होता है जंगल से, एंड फाइंड्स अ डॉग हुज माउथ इज स्टक, एक कुत्ते को देखते हैं जो उसका मुंह क्या है तीरों से भरा हुआ होता है। इज स्टक क्लॉज विथ अबाउट 6 arrows, उसके मुंह में क्या है 3 जो होते हैं तीर लगे, 6 जो होते हैं तीर लगे हुए होते हैं। एंड ही इज अमेज्ड, ही कैन नॉट बिलीव दैट एनीबॉडी ऑन द अर्थ, वो सोचते हैं गुरु के ये कुत्ते के जो है 6 जो है उसके अंदर जो तीर लगे हुए हैं वो इससे एकदम हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं। ही कैन नॉट बिलीव, वो मान नहीं सकते कि ऐसा कौन सा इंसान होगा ऑन जमीन पर जो पसेसिस सच अ स्किल्स, में ऐसी इतनी खूबी है इन आर्चरी स्किल है इन आर्चरी। एंड स्टार्ट्स सर्चिंग, और वो शोध में निकल पड़ते हैं फॉर द पर्सन, किसने इस कुत्ते के मुंह के अंदर बराबर 6 arrows से उसे क्या किया है उसके मुंह को छलनी कर दिया है। ही फाइंड्स अ ब्लैक बॉय, एक दिन वो क्या है उसको ढूंढ लेते हैं ब्लैक बॉय प्रैक्टिसिंग आर्चरी, वो क्या है प्रैक्टिस करा करता है तीरंदाजी की इन फ्रंट ऑफ एन आइडियल, क्या है जो होता है मूर्ति के आगे वो आर्चरी की प्रैक्टिस करता है, उनके सामने जो आइडल बनाता है मूर्ति बनाता है द्रोणाचार्य की। द्रोणा सीज द आइडल, द्रोणा होते हैं वो देखते हैं जो पत्थर की जो मूर्ति होती है। एंड इज नियरली स्टंड, ही सीज दैट द आइडल इज वेरी मच आइडेंटिकल विथ हिमसेल्फ, बिल्कुल उनसे मिलती जुलती थी। एज सुन एज द प्रैक्टिसिंग बॉय सीज गुरु द्रोणा, उसने जो प्रैक्टिस करते गुरु को देख जाता है। He rushes to him, वो दौड़ता है उनकी तरफ। And lies down, और गिर पड़ता है before him with folded hands, और वहां पर जाके खड़ा हो जाता है हाथ बांध के। द्रोणा कहते हैं get up my son, क्या है खड़े हो जाओ मेरे, get up my son, God bless you, तुम पर वाला तुम्हारी मदद करे। Who are you, तुम कौन हो, and whose idol is this, और ये किसकी मूर्ति है। एकलव्य गुरुजी यू हैव नियरली फॉरगॉटन मी, तुम मुझे भले भूल गए हो, बट आई एम योर डिसिपल, मैं तुम्हारा शागिर्द हूँ।
एंड दिस आइडल इज योर्स, और ये जो मूर्ति है वो आपकी है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा आर्चरी, मैंने ज्योतिरंदाजी सीखी फ्रॉम योर गुड सेल्फ। देखो, आई हैव लर्नड, मैंने आपकी जो है इस मूर्ति से ही मैंने क्या सीखी है, तीरंदाजी सीखी है। द्रोणा, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हुआ। आई हैव नेवर टॉट यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया था, कैसे ये पॉसिबल हुआ। एकलव्य, यू हैव ऑलवेज टॉट मी, तुम मुझे हमेशा सिखाते रहे गुरुजी। आई हैव शाउट इंस्पायरेशन फ्रॉम यू ओनली, यू आर माय ट्रू गुरु, मैं तुमसे इंस्पायर होता रहा, सीखता रहा, और तुम ही मेरे सच्चे गुरु हो। द्रोणा, वेल देन नाउ आई गेज दैट यू हैव शट दैट डॉग्स माउथ, तुमने उसके मुंह को बंद कर दिया है। डोके विथ एरोज हैवंट यू, एकलव्य तुमने ही किया है। यस, क्या बोलता है एकलव्य, यस हाँ गुरुजी, ऑल द टाइम इट कीप्स बार्किंग, ये हमेशा ही भोगता था। एंड आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, मेरे को क्या ध्यान नहीं लगता था, आई कैन नॉट, मैं ध्यान नहीं लगा सकता था ऑन माई प्रैक्टिस, वो क्या है जो कुत्ता है एवरी टाइम वो भुगता रहता था, इसके लिए जो एकलव्य है उसकी प्रैक्टिस में वो दखल देता था, इसने क्या करा उसको मुंह को बंद कर दिया तीरों से। द्रोणा, ब्लेसिस द बॉय, उसको आशीर्वाद देते हो बॉय को। एंड हरिडली गॉज बैग, वापस जाते हैं टू द पैलेस, महल में जाते हैं। और एंड कॉन्टेक्ट्स अर्जुन, और अर्जुन को कॉन्टेक्ट करते हैं। द्रोणा सेड अर्जुन, जो होते हैं द्रोणा अर्जुन को पास जाते हैं और उसे सब कहानी सुनाते हैं। उसे बोलते हैं द्रोणा, अर्जुन टुडे, आज क्या हुआ, टुडे आई हैव कम अक्रॉस अ ट्रिबल बॉय हु कैन डू माइरेकल्स इन आर्चरी, ही मे प्रूव अ ग्रेट चैलेंज टू यू टूमोरो। आज मैंने एक लड़के को देखा है जो बहुत ही क्या है आर्चरी, बहुत होशियार है, और ही में प्रूव, उसने प्रूव कर दिया है अ ग्रेट चैलेंज टू यू, तुम्हारे साथ आइंदा कल के लिए तुम्हारे साथ उसने एक तरह का चैलेंज रखा है। वो आर्चरी में क्या है, बहुत ही जो तीरंदाजी में बहुत होशियार है। अर्जुन क्या बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इट, मैं नहीं मान सकता गुरु जी, नोबडी ऑन द अर्थ, दुनिया ये धरती पर कोई नहीं है कैन इक्वल मेरे जैसा, मी इक्वल मी इन आर्चरी। अर्जुन बोलते हैं आई डोंट बिलीव इट, नोबडी ऑन द अर्थ कैन इक्वल मी इन आर्चरी, मैं इसे मान नहीं सकता क्योंकि दुनिया इस पृथ्वी पर कोई नहीं है मेरे जैसा इक्वल है कि जो मेरे जैसा माहिर हो आर्चरी में, तीरंदाजी में माहिर हो। द्रोणा बोलते हैं अर्जुन, आई हैव सीन, मैंने देखा है इट विथ माय ऑन आईज, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। डोंट अंडरएस्टिमेट हिम, ही कैन नॉट ओनली इक्वल यू बट ऑल्सो कैन डू बेटर देन यू, मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है और वो क्या है तुमसे भी ज्यादा तीरंदाजी में होशियार है। His dedication is tremendous. अर्जुन कहते हैं oh is it so, then I will have to practice more, तब ऐसा है तो मुझे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। द्रोणा लीव्स, द्रोणा वहां से जाते हैं, but is terribly upset as he has already promised Arjun that he will never teach anybody who can beat him in archery. सोते सोते जाते हैं। The next day द्रोणा returns to एकलव्य, दूसरे दिन फिर द्रोणा जाते हैं एकलव्य के पास। एकलव्य ऑन सिंह गुरु द्रोणा, देखता है एकलव्य गुरु द्रोणा को
बॉज डाउन उनके पैर पड़ता है एंड सीक्स हिज ब्लेसिंग लेता है. एनी थिंग दैट आई कैन डू फॉर योर काइंड सेल्फ गुरु जी, मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ, मैं कुछ काम आपके लिए कर सकता हूँ गुरु जी. द्रोणा कहते हैं वेल डू यू बिलीव दैट, तुम मानते हो आई एम योर गुरु, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो. एंड आई हैव टॉट यू आर्चरी, मैंने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई है. एक लवी बोलते हैं सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं गुरु जी, सर्टेनली गुरु जी, चौकस गुरु जी. हाउ कैन आई प्रूव, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ माई लॉयल्टी, मेरी वफादारी टू यू, तुम्हारे आपके प्रति जो मेरी वफादारी है मैं कैसे उसको प्रूव कर सकता हूँ. यू कमांड मी एंड आई एम रेडी टू डू इट, आप मुझे ऑर्डर कीजिए मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ. द्रोणा कहते हैं वेल अच्छा, देन यू मी योर राइट थंब, अब मुझे क्या है अपना जो तुम्हारे रसीदे हाथ का जो अंगूठा है वो मुझे दे दो. एकलव्य देखो, एकलव्य जरा भी झिझकता नहीं है क्योंकि वो गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि जब आप तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है और मुझसे ये तुमने आचरी सीखी है तो मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे आपका राइट थंब चाहिए. एकलव्य क्या करता है, स्टैंड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर में उसने क्या किया, रुकता है, बट द नेक्स्ट मोमेंट थोड़ी देर खड़ा रहता है और दूसरे ही पल में क्या करता है, फाइंड्स अ बिग नाइफ, उसे एक बड़ी छुरा मिलता है एंड कट्स ऑफ हिज राइट थंब. देखिए वो अपना क्या है राइट थंब काटता है एंड ऑफर करता है एंड ऑफर्स इट डेवोटेडली टू गुरु द्रोणा. देखिए अपने एक शागिर्द के ऐसे ऐसे अपना जो राइट थंब होता है वो उन्हें गुरु द्रोणाचार्य को क्या देता है, उनकी गुरु दक्षिणा देता है. देखिए आज के जमाने में ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो गुरु जो एकलव्य के जैसे हो, कितनी एकलव्य देखिए कितनी गुरु की इज्जत करता है, भले उसने तीरंदाजी नहीं सिखाई गुरु द्रोणा ने उसे, लेकिन उसकी जो मूर्ति बनाकर वो उनसे सीखता है, कितना उसमें कितनी गुरु के प्रति कितना आदर था कि नहीं था. आप लोगों में ऐसा आदर नहीं है, आप लोग स्टूडेंट्स भी हो, सभी हो, एक माँ बाप के पेरेंट्स के बच्चे भी हो, लेकिन आप में वो चीजें नहीं है जो एकलव्य में थी. आप जो गुरु जी है उनको गुरु को गुरु नहीं समझते, उनके मजाक उड़ाते हो, हमें नहीं करना चाहिए. हमें एकलव्य से तमाम बातें सीखनी चाहिए कि उसने एक पल में ही अपना जो अंगूठा होता है राइट हैंड का वो काट कर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर पेश करता है.